माहौल ये बता रहा है कि उड़ीसा की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा दोनों में एकतरफा आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। जो आप उत्साह देख रहे हैं, जो आप उमंग देख रहे हैं, जो आप ऊर्जा इस धूप और इस गर्मी में देख रहे हैं, वह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा की जनता ने केंद्र में भी एकतरफा फैसला देने का मन बनाया है, मोदी जी को मजबूत करने का और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के 470 पार का, और दूसरी तरफ उड़ीसा में भी उड़ीसा की जनता चाहती है कि एक सक्रिय मुख्यमंत्री, एक जिसे कहें स्वस्थ मुख्यमंत्री, और एक जो उनसे उड़िया में वार्तालाप कर सके और उड़िया की अस्मिता के बारे से जुड़ा हुआ हो, ऐसे मुख्यमंत्री को लाना चाहते हैं। और इसलिए यह संभव भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से है, मोदी जी के आशीर्वाद से। यहाँ की जनता उनके कार्यक्रमों से खुश है और जिस तरीके से अफसरों ने पिछले 20 साल जो एडमिनिस्ट्रेशन किया और नवीन बाबू की सक्रियता नहीं रही है, तो उड़ीसा की जनता नवीन बाबू को आराम देना चाहती है और बीजेपी को काम देना चाहती है। और वो काम देने का रास्ता है कि हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है और हम केंद्र में और प्रदेश में दोनों में सरकार बनाएंगे। बीजेडी भी यही पूछ रहा है कि नवीन को टक्कर देने वाला बीजेपी का सीएम चेहरा कौन है, सीएम फेस कौन है? आ जाएगा, हमेशा आता रहते हैं। राजस्थान में कौन था, मध्य प्रदेश में कौन था, छत्तीसगढ़ में कौन था, 3 दिन में तय हो गया, तो वैसे ही उड़ीसा में भी तय हो जाएगा। लेकिन उड़ीसा की जनता मोदी जी को ध्यान में रख करके कमल के निशान पर यहाँ भी वह एक जिम्मेदार, जवाबदेह, लोगों के साथ जुड़ के चलने वाली सरकार बनाने का निर्णय करती है और वह संभव मोदी जी के ही नेतृत्व में हो पाएगा। फर्स्ट फेज इलेक्शन खत्म हो गया है, वोट ट्रेंड को कैसे देखते हैं लोकसभा में? वोट ट्रेंड मैंने बताया एक तरफा है, उनके हाथ से गाड़ी निकल गई है, दे हैव मिस द बस, नाउ इट इज इन द फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वन साइडेड। निर्वाचनी वायलेंस शुरू हो गए, गंजाम में एक आपकी कार्यकर्ता को हत्या कर दी गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे उसके डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन ये हिंसा नहीं होनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होना चाहिए। सरकारी अधिकारी इलेक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, थोड़े दिन की बात है, बाद में सबका हिसाब किताब लिया जाएगा।